वन के बाद स्कूलों की बाढ़ आई, और उस प्रोजेक्ट के तहत हुआ ये कि पब्लिक की डिमांड को देखते हुए, लेकिन ये रिवर्स हो गया, या जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से बाकी शेष बच्चे हमारे उन स्कूल से, उसके लिए हमें पर्सनल लेवल पे इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। आपका इलेक्शन भी उसी में हो रहा है, आपका मूल्यांकन भी उसी में हो रहा है, आपका वो भी जितने भी कार्य जो सरकार के बड़े स्कूल है इंग्लिश मीडियम, वहां तो कोई सरकार भी घट रही है, यही इसी इलाके में और ऑल इंडिया, इसका आंसर मैं आपको दे रहा हूँ। लेकिन संस्कार नहीं देते, वो बच्चे संस्कारवान नहीं है, कतई नहीं है, वो ड्यू रिस्पेक्ट आपके नहीं करेंगे। आपने क्या किया है, क्या आपने ये कंप्लेन कब करेगा आदमी वहाँ पे? अब लड़की है, टॉयलेट ही नहीं है बच्चे पे, वहाँ स्कूल में उसका डिसिप्लिन का बोझ है, घर में आके ट्यूशन का बोझ है। ये जो चर्चा है बहुत ही समसामयिक है, बहुत सीरियस है, और इस पर चर्चा जरूर होनी चाहिए, विषय ऐसे गंभीर है। यहाँ पे हमारे जितने वक्ता आए, विशेष रूप से हमारे मुख्य अतिथि जो कुंवर साहब हैं, उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से इस पर समस्या पर प्रकाश डाला, और ये निश्चित रूप से ये कहा गया है कि सरकार की ओर से लगातार प्रयास हो रहे हैं कि जो स्कूल्स हैं उनको फिर किस तरह से वहाँ पे पूरे शिक्षक हों, विद्यार्थी आएँ। पलायन एक बड़ा कारण इसमें हो सकता है। कोशिश ये की गई है कि प्रत्येक विद्यालय में टॉयलेट हो, ड्रिंकिंग वाटर हो, ट्रेन टीचर हो, फर्नीचर उपलब्ध हो। CSR की मदद से भी हमने फर्नीचर उपलब्ध कराया है। अब दूसरी बात यह है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और उत्तराखंड गवर्नमेंट, जो समग्र शिक्षा अभियान हमारा आ रहा है, उसके तहत भी हमारी ये पहल है कि हम क्वालिटी एजुकेशन पर फोकस करें। एक्सेस हमारा हो चुका है, साथ ही साथ रिटेंशन के लिए भी हमने बहुत सारा काम किया है, लेकिन अब क्वालिटी एजुकेशन की बात गवर्नमेंट सोच रही है, और इस पहलू पर बहुत सारे वक्ताओं ने बातचीत की, बहुत सारी इच्छाएँ थी, तो उनकी जानकारी भी हम लोगों ने शेयर की। सरकार काफ़ी पैसा खर्च कर रही है सरकारी स्कूलों पर, और उसका आउटपुट कितना है? अगर मान लीजिए एक विद्यालय में 5 या 7 विद्यार्थी हैं और वहाँ पर टीचर्स का पर्याप्त हैं, तो आप उसका टोटल खर्चा आप कॉस्ट तय कर सकते हैं कितना है, तो उस हिसाब से। बाकी क्वालिटी एजुकेशन की बात है तो वो भी है कि अभी चर्चा में हुई कि प्राइवेट में हालांकि और व्यवस्थाएं तो होती हैं, लेकिन क्वालिटी एजुकेशन बात नहीं होती है, जबकि सरकारी स्कूलों में अगर व्यवस्था सब ठीक ठाक है तो क्वालिटी एजुकेशन अच्छी मिलती है। तो इसी चीज़ को लेकर के ये अभी तो चर्चा शुरू हुई है, ये हमारा प्रयास था कि इस पर चर्चा शुरू हो। स्कूलों का डाटा ये तो यार 20-25 का है, अगर हम पूरी हो जाए तो नक्श खराब हो रहे हैं। बार बार आए हो 1% सुधार है, कौन सा मजबूत